सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं MH1 न्यूज और वक्त हो चला है पंजाब एक्सप्रेस का, जिसमें होंगी पंजाब की ही तमाम खबरें। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लुधियाना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्य तौर से शामिल हुए और उन्हें ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी ली। इसके बाद पंजाब CM ने प्रदेशवासियों के साथ देशवासियों को भी 72वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल VP सिंह बदनौर ने परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और समाज सेवियों को भी सम्मानित किया। हालांकि छत्तीसगढ़ के गवर्नर और BJP नेता बलरामजी दास टंडन के निधन के चलते इस बार रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। नाभा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर समागम का आयोजन किया गया। इस दौरान हलके के सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता भारी तादाद में कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के निवास पर पहुंचे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के बेटे गुरप्रीत सिंह धर्मसोत ने तिरंगा फहराया। वहीं इस दौरान मौजूद सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगीत गाया और शहीदों को याद किया। सारे देशवासियों, पंजाब वासियों, खासकर नाभा वासियों लख लख वधाई देना चाहता हाँ। तो सारे देशवासियों को यही अपील करना, संदेश देना चाहता हाँ कि हमेशा ही सुख शांति ना रहो, ता जो तुहाडी जिंदगी विच खुशहाली बनी रहे। 72वां आजादी दिहाड़ा है, इतने सरदार साढ़े साधु सिंह धर्मसोत जी कैबिनेट मंत्री पंजाब उन्होंने कोठी विखे झंडे की रस्म अदा की गई। उन्होंने बेटे गुरप्रीत सिंह जी ने, महान देश है भारत जिसके साढ़े सलूट है, वो स्वतंत्रता सैनानियों जिन्हों की बदौलत अज असी सह लै रहे हैं। परमात्मा हिंदुस्तान चढ़ती कला रखे, यही सा नाभा निवासियों, शहर वासियों, हिंदुस्तान वासियों लख लख बधाई। गुरदासपुर के सरकारी कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर समागम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंजाब कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने राष्ट्रीय ध्वज लहराया। वहीं पुलिस और NCC के जवानों की अलग अलग टुकड़ियों की ओर से सलामी दी गई। इस दौरान मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने अलग अंदाज में लोगों को संबोधित किया। नंबरदारों, अज बड़ा फखर हों के सौन की इस धुप के जो खड़े पसीना आता, तुम उस भावना ना और देवता भी ना काठ की मूर्ति च है ना मिट्टी की भावना च विद्यमान है, तुम उस भावना के जी अमर शहीदों नमन करने वाली है। अतीत खुद जवाब है, उस पे सवाल नहीं होते। मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते। शिक्षा में यदि देश के प्रति प्रेम हो तो बात बनती है। यूं ही पैदा भगत सिंह, उधम सिंह जनाब नहीं होते। चरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है। यूं ही मुट्ठियां बांध लेने से इंकलाब नहीं। बठिंडा के KL स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और लोगों को पंजाब सरकार की पिछले 1.5 साल की प्राप्तियों के बारे में बताया। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की प्रशंसा भी की। कसम खाती थी गुटका साहब आपको छुपा के, मैं पंजाब के नशे खत्म करांगा,
नशे बंद करा उस मैं कैप्टन साहब को बधाई देना चाहना कि उन्होंने अपने डेढ़ साल के समय के जो थोड़े न वादे किए वादे से पूरे खड़े उतर रहे। अमृतसर में पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने तिरंगा फहराने की रस्म को अदा किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में कई नेता और अधिकारी भी शामिल हुए। वहीं मनप्रीत सिंह बादल ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि जिन्होंने आजादी के लिए कुर्बानी दी है उनकी शहादत को कायम रखने की जरूरत है। इस मुबारक से मुकदस दिहाड़े से शुभकामनावां से मुबारकबाद पेश कर रहा है और मैं लगता है कि जिथे जश्न आज़ादी हो रहा है उत्थे सानू ये भी याद रखना चाहिए कि ये जिहड़ा आज़ादी का दीवा सी ये ऐवें नहीं रोशन हो गया। अनगिनत लोगों ने इस दीवे नू अपना लहू पेश किया सी तां असी वो जिहड़े 14 सीगे जिहड़े शहीद सीगे इस देश दे उहनां नूं अपनी अकीदत पेश करदे हां। मोहाली में 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म महिंद्रा ने तिरंगा फहराकर जश्न मनाया। इस मौके पर अच्छा काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा पुलिस अधिकारियों तथा कई स्वतंत्रता सेनानियों को भी कैबिनेट मंत्री की ओर से सम्मानित किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने तिरंगा फहराया, रंगारंग कार्यक्रम किया और देशभक्ति गीत भी गाए। मैं सारे पंजाब वासियों को अपने दिल की गहराइयों तो 72nd इंडिपेंडेंस डे दी बधाइयां देनी चाहना और परमात्मा पंजाब दे विच खुशियां लियावे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की लीडरशिप पंजाब एक अच्छा पंजाब बने, एक प्रफुल्लित पंजाब बने, इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक होवे, असी इंप्लॉयमेंट दूर कर सकीए, असी नशियां नूं खत्म कर सकीए। एक ही मेरी परमपिता परमात्मा नूं अज प्रार्थना है और तुहानूं सारयां नूं मेरी मुबारकबाद है। संगरूर की पुलिस लाइन में भी 72वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पंजाब की कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने राष्ट्रध्वज फहराया। वहीं स्कूली बच्चों ने पीटी कार्यक्रम और सभ्याचारिक कार्यक्रम पेश किए। इस दौरान साधु सिंह धर्मसोत ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। आज 72वां आजादी दिवस मना रहे हैं और इस मौके मैं आप सब हार्दिक बधाई देता हूं। गदर लहर, कुप्पा लहर, गुरुद्वारा सुभाग लहर, बब्बर अकाली लहर, पगड़ी सुभाग लहर, भाग छो अंदोलन वर्गिया महान लहरां सत्ता ही 15 अगस्त 1947 देश आजाद होया। फतेहगढ़ साहिब में माता गुजरी कॉलेज में 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर पंजाब विधानसभा स्पीकर राणा केपी सिंह ने तिरंगा फहराया। वहीं स्कूली बच्चों की ओर से रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सम्मानित किया गया और जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें बांटी गई और दिव्यांग लोगों को ट्राईसाइकिल बांटी गई। बहुत बड़िया कुर्बानियां पंजाब के लोगों ने दतिया। अगर काले पानी ने जाके रिकॉर्ड में देखा जाए, मैं पिछले दिन जान का मौका मिले उन्होंने दीवारों से देखा और थोड़ा रिकॉर्ड बोलता है और थोड़िया कंधा बोलदिया ने कि जो योगदान पंजाबिया ने इस मुल्क को याद प्रांत पाया शायद किसी होर सूबे के हिस्से आया हो। जालंधर में गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खेल मंत्री राणा
गुरमीत सिंह सोड़ी ने तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने पंजाब से दिव्यांग महिला खिलाड़ी रमनदीप कौर से मुलाकात की। वहीं महिला खिलाड़ी रमनदीप कौर का कहना था कि वो 14 साल की उम्र से पावर लिफ्टिंग कर रही हैं। रमनदीप ने देश विदेश में कई मेडल जीते हैं, लेकिन उन्हें इस बात से नाराजगी है कि उनकी बीमारी के समय किसी ने उनके इलाज का खर्चा नहीं दिया और न ही सरकार की ओर से उन्हें कोई मदद दी गई। इस मामले पर मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोड़ी ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया। 2017 के कॉमनवैल्थ में गोल्ड मेडल लेके आई हाँ, हैवीवेट चैंपियन बनी हाँ, बट मैं हाले तक किसी वालों भी कोई नौकरी नहीं दी गई। तो मेरी यही डिमांड भी मैनू जो मेरा बनता हक आ, जो मेरे मैडल ने, जो मेरी एजुकेशन आ, वो हिसाब न मैं जॉब दिती जाए। मैं कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं मंगती, ना बहुत छोटी मंगती, जो मेरा बनता हक मैं दिता जाए। मैं होर कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक जॉब ले आई हाँ। इतने खेड मंत्री वालों यही सुझाव दिया गया है, वो कहें भी तुम अपनी फाइल मैं दो, मैं देखूंगा ते मैं फाइल देख के तुहाडी जो बनती जॉब हुई तुहानू असीं जरूर देवांगे। सर लड़की रमनदीप कौर मैनू मिल के गई है, मैं वो कागज़ देख रहा है और जो वाजब जॉब होएगा उन्हें मिलेगा। खन्ना में शहीद करनैल सिंह की बरसी के मौके पर पूर्व विरोधी पक्ष नेता सुखपाल सिंह खैरा ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर रैली का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने शहीदों को श्रद्धा सुमन भेंट किए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और संगरूर से सांसद भगवान मान भी शहीद करनैल सिंह और शहीद भूपेंद्र सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। इस दौरान आप नेता भगवंत मान का कहना था कि खैरा के साथ पार्टी के मतभेद जल्द ही खत्म हो रहे हैं। अज असीं आम आदमी पार्टी के सत्कारयोग पहले पोलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सारे मैंबरान और साड़ी पार्टी के बहुत जुझारू वॉलंटियर अज असीं अपने पंजाब के और देश के महान शहीद करनैल सिंह जी इस जिन्हों की लामिसाल कुर्बानी ने ना सिर्फ दुआ को आजाद कराया बल्कि साडे देश में बहुत बड़ा योगदान पाया। उन्होंने नतमस्तक होने पद चिन्ह के चलन से कसम खा के पंजाबियों में संदेश देने वास्ते अज असी इस पहुंचे हैं सारे। अज के दिहाड़े से सारे देशवासियों को पंजाब वालों को यह याद करवाना चाहना कि देखो इन लोगों की कुर्बानियां, इन की बदौलत शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन की बदौलत अज आप जिहड़ा सा आजाद भारत में मान रहे हैं। 15 अगस्त देश याद हो गया, पर हजे भी समस्यावान जड़िया ने गरीबी, महंगाई, करप्शन, ये तो याद की लोग इतने रैली जी नहीं कर रहे हैं। गल तो भी साड़ी ने भरा ने साड़े सैंपियां सैंपियां चलती रही मैं उम्मीद है कि इकट्ठे होके सारे संभाल। पंजाब में 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं बरनाला स्थित काला महल स्टेडियम के उच्च शिक्षा मंत्री रजिया सुल्ताना ने तिरंगा फहराया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। दूसरी ओर फिरोजपुर में कैबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंगला ने बीएसएफ के जवानों को हुसैनीवाला बॉर्डर पर मिठाइयां बांटी और हुसैनीवाला में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और भगत सिंह स्टेडियम पर तिरंगा फहराया। वहीं मोगा में फूड एंड सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु जी ने तिरंगा फहराने की रस्म अदा की। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी कमिश्नर दिलराज सिंह और एसएसपी गुरप्रीत सिंह टूर मौजूद रहे। पंजाब में भी 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और तिरंगा फहराकर 72वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पठानकोट में कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी ने तिरंगा फहराया और आजादी की शुभकामनाएं दी। वहीं होशियारपुर पुलिस लाइन में कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ध्वजारोहण किया। वहीं इस मौके पर 39 समाज सेवी संस्थाओं को अच्छे योगदान के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही 11 किसानों को 2-2 लाख रुपए के कर्ज माफी के सर्टिफिकेट बांटे गए। उधर रोपड़ के नेहरू स्टेडियम में कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीएसएफ की ओर से पाक रेंजर्स को मिठाई बांटी गई। बीएसएफ जवानों ने पाक रेंजर्स को मिठाई देकर शांति और सद्भावना को बढ़ावा देते हुए मिसाल कायम की। इस मौके पर बीएसएफ अधिकारियों ने पाक रेंजर्स के मेजर को मिठाई दी और गले लगाकर आजादी के दिवस की बधाई दी। इस मौके पर अधिकारियों ने कहा कि बीएसएफ और पाकिस्तान के बीच पिछले लंबे समय से ऐसा रिवाज चलता आया है। ऐसे मौके पर सुदीप कुमार ने कहा कि बीएसएफ देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैयार है।
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आज 72वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। डीजी बीएसएफ और बीएसएफ की तरफ से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और आज बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को मिठाई बताई। थैंक यू। नवाशहर स्थित शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने भगत सिंह के स्मारक पर पुष्प भेंट की और शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी। वहीं उन्होंने तिरंगा फहराया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मलेरकोटला में मदरसों में भी मुस्लिम लोगों ने बड़ी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया और देशभक्ति गीत गाए। वहीं लोगों ने तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दौरान उनका कहना था कि हमें देशभक्ति की प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हर कौम के लोगों ने कुर्बानियां देकर देश आजाद कराया, इसीलिए ये देश सबके लिए बराबर है। हम हर साल की तरह तिरंगा फहराकर देश की आजादी का जश्न मनाते हैं। स्कूल में 15 अगस्त का प्रोग्राम बनाया जा रहा है और इसमें हमारे मदरसे में सभी स्टूडेंट्स और सभी टीचर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमने इस स्कूल इस मदरसे में तिरंगा लहराया और हम आज जो आज़ादी से पढ़ रहे हैं और आज़ादी से घूम रहे हैं वो इसकी वजह से, क्योंकि कई शहीद हुए इस आज़ादी के लिए और हम आज इस आज़ादी की वजह से ही इस तरह खुलेआम घूम रहे हैं। गाँव में आज़ादी का प्रोग्राम है ये, जो हमें आज ये 72 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हमारे दस्ते में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये जो हमने तिरंगा है वो भी बड़ी खुशी के साथ लहरा दिया है। पंजाब के जेल और सहकारिता मंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा ने बठिंडा की सेंट्रल जेल में 3 महिलाओं समेत 18 कैदियों को रिहा किया। इनमें से कुछ की सजा पूरी हो चुकी थी लेकिन कुछ की बाकी थी। बताया जा रहा है कि अच्छे चाल चलन की वजह से कैदियों को रिहा किया गया। जेल मंत्री ने उनसे मुलाकात कर भविष्य की शुभकामनाएं दी। पूरे देश भर में सभी लोगों की ओर से अपने तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। वहीं श्री आनंदपुर साहिब के साथ लगते गांव ढेर में देश प्रेमी शिव कुमार कालिया की ओर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को भाईचारे का संदेश दिया गया। इस मौके पर तिरंगे के साथ साइकिल रैली भी निकाली गई है और लोगों को यह संदेश दिया गया है कि हमारे अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह होनी चाहिए। आज का जो 15 अगस्त का दिन है, नौजवानों को यह दसण की लोड़ है कि 15 अगस्त जिहड़ा है एवं सानू प्राप्त नहीं होया। लखां ही शहीदों ने कुर्बानियां दित्तियां। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, पंडित चंद्र शेखर आजाद आजादी लई शहादत दित्तियां उन्होंने, तो उन्होंने समर्पित ही अज का जिहड़ा है पैगामे इनकलाब का सफर जिहड़ा मेरे वालों शुरू किया गया है, जिहदा मुख मकसद सिर्फ तो सिर्फ नौजवानों देशभक्ति दे नाल जोड़ना, नशियां तो दूर रहने लई अपील करना ते होर समाजिक बुराइयां तो दूर रह के एक नरोआ समाज सिरजण की कोशिश करना। मानसा के कस्बा बुरलाड़ा में कई घंटों की तेज बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। पूरे इलाके में जल भराव हो गया जिस वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं अस्पताल में पानी भरने की वजह से मरीज काफी परेशान है। मरीजों ने अस्पताल में हुए जल भराव का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। हिमाचल में हो रही लगातार बारिश के कारण पंजाब की नदियां उफान पर हैं। वहीं ब्यास दरिया में पिछले 24 घंटों में 65,000 क्यूसिक पानी आ गया है और इस पानी की वजह से सुल्तानपुर लोधी के 16 गांव पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है। वहीं पानी के बढ़ते स्तर के कारण कपूरथला में प्रशासन की ओर से दरिया के पास से गाँव के लोगों को हटाया जा रहा है।